ज़्यादा, मतलब कि हमारे गांव वालों को कार्ड और कोई कुछ ऐसा चीज़ नहीं मिला जिसकी वजह से हम प्रूफ दिखा सकें कि हम इस गांव की हैं और यहां आ सकते हैं। हमें बस वजह से बाबा की भजन ही इतनी ज्यादा रुझान कर दी कि लोगों ने उठकर डांस किया और हमने भी किया है। कथा पे देखिए किस तरीके से जो भक्तगण है वो कथा के श्रवण के साथ ही ये झूम रहा है, ये नृत्य कर रहे हैं बाबा के आवाहन पर कथा में पूरी। बस यही कहना चाहूंगी, अपने मूल तत्वों को मत छोड़िए, किसी भी धर्म में जाने से कुछ फायदा नहीं है। मैं खुद भी मिशनरी कॉलेज से पढ़ी हुई हूँ। बस अपने धर्म पे कुछ पूरे अच्छी तरीके से विश्वास के साथ काम कीजिए और अच्छा काम करके अपने धर्म का नाम बढ़ाइए। आना चाहिए, वापस आने में क्या दिक्कत है, ये हमारे घर वापसी करनी चाहिए। बिल्कुल, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। बाबा बागेश्वर के धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ लग चुकी है और यहाँ पर जो है तो हनुमंत कथा चल रहा है। इसके बाद ये कुछ लड़कियाँ हैं जो काफी ज्यादा मशक्कत से यहाँ पर आई है। क्या नाम है? बबली उपाध्याय। आपका क्या नाम है? जिया तिवारी। जिया तिवारी, बबली कितना मशक्कत करना पड़ा है आने के लिए? आपको ये बता नहीं सकते कि यहाँ आने के लिए हम लोग इतनी मेहनत करना पड़ा। इस गांव की होने के बावजूद यहाँ के लोग ने कहा था कि आप अपनी इच्छा से आ सकते हैं, पर हमारी इच्छा बस मेहनत से आना था और बाबा की कृपा थी जो यहाँ तक बैठा। तो रक्षा कर्मियों ने क्या कहा जब आप अंदर आने लगे? उन्होंने बहुत ऐसे काम किए जिसको बताना नहीं चाहती हूँ, ये हमारे गांव के लिए अच्छी बात नहीं है। उन लोगों ने मेहनत की है ऐसा नहीं कहते, लेकिन कहीं ना कहीं वो आईडी कार्ड वाले को अंदर दिया जा रहा है और जो बिना आईडी कार्ड के, ये तो अच्छी बात है, उनकी रूल्स रेगुलेशन है। बट ये नहीं कहते कि हमारी भी तो इच्छा है, हम लोग को आईडी कार्ड नहीं बनाया गया है, पर आप एक तरीके से सुनकर भी अपने उस हृदय को भी जाँच कर भी आप भेज सकते हैं ना, क्योंकि बाबा के पास आना सबकी इच्छा, हमारी भी इच्छा है, पर शायद इसी वजह से यहाँ बैठे हैं। ये जमीन आप ही का है लेकिन इसके बारे में बता नहीं पा रहे, क्योंकि हमारे गांव के जिन लोगों ने इस व्यवस्था को बनाया है, हमारे गांव के बहुत सारे दर्जनों लोग ने अप्लाई किया था कार्ड के लिए, बट उन लोगों को नहीं दिया गया ये रूल रेगुलेशन फॉलो करने के लिए। बाबा की भक्ति में आप झूमने लग जाते हैं? ये तो सही बात है, हम ही नहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो झूम रहे हैं, क्योंकि बाबा की शक्ति और बाबा की दुआ ही ऐसी है। क्या नाम जी? क्या नाम जी? मैं नमस्कार सीताराम, मेरा नाम वेदिका है, मैं पटना से आई हूँ जी। बाबा की भक्ति में इतना ज़्यादा सराबोर हो गए कि आप झूमने लगे? जी, इनकी कथा में, इनके गाने में इतना पावर, इतना पावर और इतना एनर्जी था कि मैं अपने आप को नृत्य करने से रोक भी नहीं पाई। हालांकि मैं ऐसे भी कथक की डांसर हूँ, तो मुझे ऐसे भी इन सब से कृष्ण लीला, राम लीला, इन सब में डांस करना बहुत पसंद है, तो मैंने बहुत खुशी बहुत एनर्जेटिक वे में मैंने डांस किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आने में कितनी परेशानी? नहीं, कुछ परेशानी नहीं है, भगवान के दरबार में आने में कोई परेशानी नहीं होती है। आई रियली लव दिस प्लेटफॉर्म, आई रियली लव दिस ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट टाइम यहाँ आई? जी हाँ, बाबा भी फर्स्ट टाइम पटना आए हैं तो मैं पहली बार आई हूँ। और आगे के 4 दिन? हाँ, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी यहाँ आने का। जी, मैंने बोला ना, इतना पावर था, इतना एनर्जी था बाबा के संगीत में, और संगीत तो ऐसे भी ऐसा, मुझे लगता है भारत के रोम रोम में बसा हुआ है, राम भारत के रोम रोम में बसे हुए हैं, तो कोई भी बच्चा अपने आप को नृत्य करने से नहीं रोक पाएगा इतने अच्छे म्यूजिक के साथ। तो मैं बस नाचने लगी और मैं कथक की डांसर भी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा डांस करके, अपना भाव व्यक्त करके मुझे बहुत अच्छा लगा। जी हाँ, मैं कथा के लिए आई हूँ, पटना से हूँ मैं। जी यहाँ? हाँ, यहाँ मैं पहली बार आई हूँ बाबा के प्रोग्राम में, मैं फर्स्ट टाइम आई और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं हर यूथ को यही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप
आइए और इनके विचारों को सुनिए, इससे हमारे आइडियोलॉजी बहुत अच्छी होगी, हमारी आइडियोलॉजी हिंदू धर्म के प्रति बहुत पक्की होगी। प्लीज़ आप आइए और इनको सुनिए। मैं हर यंग जनरेशन से और ख़ासकर लड़कियों से, मैं हर लड़कियों से कहूँगी, प्लीज़ सत्य सनातन धर्म को छोड़ के इधर उधर मत भटकिए, इसी धर्म को मानिए, राम जी को मानिए। ऐसी लड़कियाँ जो इधर उधर भटक जाती हैं उनको क्या कहें? बस यही कहना चाहूँगी, अपने मूल तत्वों को मत छोड़िए, किसी भी धर्म में जाने से कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं खुद भी मिशनरी स्कूल कॉलेज से पढ़ी हुई हूँ, तो मैं खुद यही चाहती हूँ, पढ़ना लिखना सब करिए, आप फ्रेंड्स बनाइए, लेकिन कभी भी किसी दूसरे धर्म को अपनाइए नहीं, बस अपने धर्म पे कुछ पूरे अच्छी तरीके से विश्वास के साथ काम कीजिए और अच्छा काम करके अपने धर्म का नाम बढ़ाइए। वैसी लड़कियाँ जो धर्म परिवर्तन कर चुकी है, क्या उन्हें वापस आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, वापस आने में क्या दिक्कत है, ये हमारे घर वापसी करनी चाहिए। बिल्कुल, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, तो प्लीज आइए, ये हमारा घर है जी। चलिए, यहाँ पर ऐसे कई सारे लोग हैं जो भक्ति में काफी ज्यादा सराबोर हो गए हैं, और ये आपको भारी तादाद में भीड़ दिख रही है, ये सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की तरफ से है, जिनको इतनी सद्भावना है लोगों के अंदर धीरेन्द्र शास्त्री के लिए कि लोग बहुत दूर दूर से आए, केवल बिहार में बल्कि आपको बिहार के दूर दूर से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री की कथा को सुनने आए। ये जो आपको भारी तादाद दिख रही है, इससे भीड़ दिख रही है, ये ना सिर्फ बिहार की बल्कि बिहार के आसपास के जितने भी राज्य हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, लुधियाना हो, उतने उतने दूर से यहाँ लोग आ रहे हैं और केवल हनुमंत कथा को सुनने आ रहे हैं। ये सारे लोग 5 दिन यहाँ पर ठहरेंगे, उसके बाद हनुमंत कथा सुनेंगे। आपने देखा कि किस तरीके से बाबा के गीत को सुनकर महिलाएं नाचने लगी, झूमने लगी, इस तरह की ढेरों की राज्य आपको सारी तस्वीर दिखाएंगे। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए बिहार देखते रहें, धन्यवाद। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।